हेलो राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूम उत्तराखंड के दरगाह, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और सुबह आज की ब्लॉगिंग में सुबह 10 बजे से कर रही हूँ। और आज की ब्लॉगिंग में यहाँ मंदाकिनी के नदी के किनारे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना भी है और काले बादल भी छाए हैं और हल्की हल्की धूप भी लगी है। और हमारे गांव का पुल भी यहीं से साफ दिखाई दे रहा है। और मंदाकिनी नदी का जलस्तर है तो परसों तक तो यहां तक आया था और आज बहुत कम हो गया है। और मैं जा रही हूँ अपनी ननिहाल, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरा ननिहाल कहाँ है। तो अभी रास्ते में जा रही हूँ मैं, और आप लोगों का भी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं कैसा है। और हमारे गांव में ऐसी टूट फूट हो गई है, पूरे खेत फूत हमारे यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी पे मिल गए हैं सारी खेत। और अब ये रहा पुल, तो पुल की रेलिंग भी सारी टूट गई है और ऐसा बर्बाद हो गया है हमारे गांव में। और ऊपर केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी नदी, और वो है कबिनी घाट का गदेरा, तो कभी वो गदेरा भी भयंकर नदी जैसा रूप ले जा लेता है। कभी यहाँ पर बैठी है और सल्टी लेके जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान भी नहीं है, चाय चीनी और राशन पानी। तो यहाँ पर बैठी है मोनिका भी। यहाँ पर देखो लोगों ने कुछ व्यवस्था कर रखी थी अपने लिए। खड़ी चढ़ाई जाना पड़ता हमको फाटा मार्केट, और यहाँ तो पैर भी फिसल रहे हैं। अभी देखो ऊपर है रोड, अभी 2 किलोमीटर तो तय कर दिया हमने, और अभी 1 किलोमीटर रह गया है मार्केट जाने के लिए। और फाटा मार्केट भी हम पहुँच गए हैं। ये है हमारा मार्केट, और यहीं हम मोनिका आगे से जा रहे हैं सल्टी लेके, और ये निंगाल की बुनी हुई सल्टी है, इसी में हम सामान लेके आएंगे मार्केट से। और यहाँ लोग लगी है लेवा लोग। और मैं अपने नानी के गांव भी पहुँच गई हूँ, और यहाँ से नीचे जाना है मैंने, अभी बहुत दूर है, नीचे है गांव। और मैं अपने फूफू के घर में भी पहुँच गई हूँ। ये है मेरा फूफू का ससुराल, बूढ़ी हो गई मेरी फूफू। और मेरी फूफू के नाती नतीना, ये है बहू बड़ी वाली, छोटी वाली उधर है किचन में लगी हुई है। और वहाँ पर मेरी दीदी है बैठी है, आज सब मिल गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर दो दीदी है, यही दो तिरजु किनारे गए, वो दोनों दुआरानी जिठानी। और मैं नानी के घर में भी पहुँच गई हूँ, ये है मेरा ननिहाल और पुराने जमाने के घर है। और ये मेरी भतीजी है और ये मेरी दीदी है। अच्छा यूट्यूब और आप लोगों को भी बाहर भी दिखाती हूँ लोगों को। यहाँ छोटी ये नतेन हो रही है हमारी, और यहाँ आ रखे सब लोग, बात चकाई है उसकी। सब लोग खाने बैठ गए वहाँ से और यहाँ तक। और ये है मेरी भाभी और इनकी नतेनी के आप भाज चकाई है। मैं मीठा भात दे रही। ये हमारी नतेनी, ये छोटी सी 6 महीने की है अभी। और ये है हमारी भतीजे की बीबी। बाजना वाली बाजना तू वाली। Thank you.
पानी पी रही क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन यहीं बिताए तो अपने यहाँ पर पानी धारा पंदेरा की याद आ रही क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ऐसा धारा बनाया जाता है। अब मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई तो अब मैं के आ रखी है अपने मैं का पानी पी रही मम्मी यहाँ पे। हेलो, अरे हम तो बचपन में यहीं रहते थे दीदी, मेरी बड़ी दीदी जो हम बचपन में यहाँ बहुत हंसी मजाक करते थे, जंगल जाते थे, काफल लाते थे और दादाजी के साथ हम यहाँ रहते थे। हमारी बुआ जी की लड़की है और बड़ी वाली दीदी भी आ रखी है हमारी और मैं भी है, मेरा भाई ऐसे खेलते थे यहाँ पे, बहुत बचपन बिताया हमने अपनी नानी नानी के घर में। और ये है मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का है, दो भाई है वो और अब आ रखे यहाँ ढाबे है यहाँ पर आगे। और भाई यहाँ पर बकरी भी पाल रखी है, ऐसी बकरी मैंने तो पहली बार देखी पहाड़ों में, पता नहीं कहाँ से लाई ये बकरी, इतने लंबे लंबे कान है इसके, दो बकरी की प्यारी सी है, गले में वो घंटी भी है, बाप क्या सुंदर लग गई है पहाड़ों में ऐसी पहली बार देखी। देसी बकरी है बोलिए अपनी नानी के गांव से भी आ गई हूँ मैं घर पर और घर पर अब रात की डिनर की तैयारी करते हैं। अभी आई बड़ी मुश्किल से और यहाँ केदारनाथ के रोडों के बुरे हाल हो रखे हैं, ज़्यादा करके तरसाले के नीचे जहाँ पर वो चट्टान टूट के आए रोड पे, तो वहाँ पर तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं रोड के, बड़ी मुश्किल से आई बस में। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर।